जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप चौधरी एग्जाम स्टडी सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में हमने जो है हम जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास में हमने जो है राजसमंद तक जो है हमने पढ़ लिया था कि कुछ पहाड़ियां थी, जैसे हमने जालौर की, उदयपुर की, राजसमंद की, और वो पहाड़ियाँ जो है पढ़ ली थी। तो आज हम जो है कि यहाँ पे आपके अजमेर में कौन सी पहाड़ियाँ हैं और आपकी जयपुर में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ियाँ जो है हम कवर करते ही चलेंगे, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस पहाड़ी से कौन सी नदी जो है निकलती है। तो अब बात करते हैं अजमेर के अंदर नाग पहाड़ी। तो नाग पहाड़ी से जो है आपकी ये लूनी नदी निकलती है, और यहाँ पे एक और पहाड़ी है कुकरा पहाड़ी। ये कुकरा पहाड़ी भी आपकी कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। ठीक है, फिर इसके बाद जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर के अंदर मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, बीजक डूंगरी, ये आपको मैंने शुरुआत में भी लिखवाया था कि भाई जितनी भी डूंगरी या डूंगर है वो आपके कहाँ पे हैं, जयपुर के अंदर हैं। तो यहाँ पे जो ये है जितनी भी डूंगरी है, मोती मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम और बीजक, ये सारी कहाँ पे है आपकी, जयपुर। और आपको एक बात और बताऊँ कि महादेव डूंगरी, गणेश जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी और बीजक डूंगरी में जो आपके हैं यहाँ पे जो है ये बैराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं, मौर्य कालीन अवशेष जो है यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, और बाकी बैराट पहाड़ी आपकी ये भी जयपुर के अंदर है। तो बैराट पहाड़ी में जो है बाणगंगा नदी निकलती है आपकी, सेवर पहाड़ी में जो है साबी नदी निकलती है आपकी, मनोहरपुरा पहाड़ी है वहां से मेंथा या मेंढा नदी निकलती है आपकी, और ये चील का टीला जो है तो ये जहाँ पे अभी जयगढ़ दुर्ग आपका जो बना हुआ है, तो जयगढ़ दुर्ग जो जगह थी उसको पहले जो है चील का टीला आपका कहा जाता था। एक फिर बरवाड़ा है, ये भी जयपुर के अंदर है। एक बाबाई पहाड़ी है, ये भी जयपुर के अंदर है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि जो बाबाई पहाड़ी है ये दोनों सेम है, ये बाबाई पहाड़ी है, ये बबाई पहाड़ी है। बबाई पहाड़ी आपकी झुंझुनू में है, लेकिन बाबाई पहाड़ी आपकी कहाँ पे है, ये है जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। या आप एक बार फिर से देख लो, आपका जो बैराट पहाड़ी है वहां पे कौन सी नदी, बैराट पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो बैराट पहाड़ी से आपकी जो है बाणगंगा नदी निकलती है, जबकि सेवर पहाड़ी से जो है साबी नदी निकलती है, मनोहरपुरा पहाड़ी से आपकी मेंथा या मेंढा नदी निकलती है। और ये नदियाँ आपको ध्यान रखनी है कि किस पहाड़ी से कौन सी नदी जो है वो निकलती है। अब बात करेंगे हम स्वाई माधोपुर में। तो स्वाई माधोपुर में अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, तो यहाँ पे जो है आपका ये है तो स्वाई माधोपुर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ें और है देखने वाली। एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे चौथ माता का क्या है, मंदिर है एक तो। ठीक है, तो चौथ माता का एक तो क्या है, यहाँ पे मंदिर है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज़ देखने वाली यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सीसा जस्ता जो है उसका भी भंडारण है। ठीक है, तो ये है स्वाई माधोपुर में, ये चौथ का बरवाड़ा जो है वहां पे ही चौथ माता का मंदिर है आपका,
और वहाँ पे क्या है, सीसा जस्ता का भंडारण भी है यहाँ। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट किसकी, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में आपको याद होगा, एक तो बांसवाड़ा में बात करें तो एक तो मानगढ़ पहाड़ी, ठीक है, जहाँ पे 17 नवंबर 1913 को जो है मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, जिसमें 1500 भील मारे गए थे। और वही मानगढ़ पहाड़ी आपको पता है कि कहाँ पे है, तो मानगढ़ पहाड़ी जो है एक आपकी ये है बांसवाड़ा में। ये तो आपको पता है, लेकिन इसके अलावा एक और पहाड़ी भी है, वो है कालिंजरा। आपकी ये कालिंजरा पहाड़ी भी कहाँ पे है, ये भी बांसवाड़ा में है। ठीक है, ठीक है, और फिर आपकी एक पहाड़ी और है भंवर माता पहाड़ी, और ये भंवर माता पहाड़ी आपकी कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आपकी प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो मानगढ़ पहाड़ी आपकी कहाँ पे, तो मानगढ़ पहाड़ी आपकी जो है ये है बांसवाड़ा में, कालिंजरा पहाड़ी है ये भी आपकी कहाँ पे है, बांसवाड़ा में है, और ये भंवर माता पहाड़ी है ये भी आपकी कहाँ पे है, ये है आपकी प्रतापगढ़ में। ठीक है, अब अगर हम बात करें सीकर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो ये तीन चार सीकर में हैं। सीकर में अगर हम बात करें तो एक तो है आपकी मालखेत पहाड़ी, ठीक है, और एक आपकी है हर्ष पर्वत, हर्ष पहाड़ी होगी एक, और एक आपकी होगी खंडेला की। ये तीन पहाड़ियां जो आपकी कहां पे है, सिकर में है। ठीक है, तो ये आपकी जो खंडेला ये है, ये दो तो आप नाम याद रखो खाली। इसमें थोड़ी चीजें हैं कि एक तो यहां से कांतली नदी का उद्गम होता है, किसका, कांतली नदी का उद्गम होता है। दूसरा अगर हम बात करें यहां से यूरेनियम भी निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है यहां से, यूरेनियम भी निकलता है, तो ये कहां पे है, सिक्कर के अंदर, मालखेत पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी, और हर्ष पहाड़ी पर जो है ये यहाँ पे जीर्ण माता का क्या है, मंदिर भी है, जीर्ण माता मंदिर भी आपका यहीं पे ही है हर्ष पहाड़ी पे। ठीक है, तो ये हो गई सिक्कर के अंदर जो जो पहाड़ी है आपकी, वो हो गई सिक्कर वाली। अब मैं बात करें हम किसकी, अलवर के अंदर, तो अलवर के अंदर आपकी कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो अलवर में बात करें तो एक तो आपकी है रूपनाथ पहाड़ी, रूपनाथ नहीं वो उदयनाथ, उदयनाथ होगी एक, और फिर आपकी होगी भैराच, और फिर एक आपकी है ये हर्षनाथ। ठीक है, तो यहां से आपकी जो उदयनाथ पहाड़ी है, उदयनाथ पहाड़ी से आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो ये निकलती है रूपारेल नदी, कहां से, उदयनाथ पहाड़ी से, कौन सी, रूपारेल नदी, और ये तीनों है कहां पे, ये अलवर के अंदर है। ठीक है, तीनों कहाँ पे हैं, ये
अलवर के अंदर, उदयनाथ, भैराज और हर्षनाथ। तो यहाँ से इनसे जो निकलती है वो क्या है, रूपारेल नदी निकलती है उदयनाथ से, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, अब कोई है ना, एक एक दो दो पार्ट गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर हम देखें तो अब ज़्यादा है नहीं वैसे। तो आपकी एक बूंदी में पर्वत है, क्या है, आड़ा वाला पर्वत, ठीक है। ये आपका एक बूंदी में आड़ा वाला पर्वत हो गया। फिर ये मुकुंदवाड़ा पहाड़ी है आपकी कोटा और झालावाड़ के अंदर। तो कोटा, झालावाड़ है, यहाँ पे कौन सी है, मुकुंदवाड़ा पहाड़ी, ठीक है। एक ये होगी आपकी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो भीलवाड़ा, यहाँ पे है आपकी बिजासन पहाड़ी। भीलवाड़ा के अंदर कौन सी होगी, बिजासन पहाड़ी होगी। फिर उसके बाद आपकी होगी बाड़मेर में। बाड़मेर में एक तो हो गया नाकोड़ा पर्वत, ठीक है। और एक जो हो गया वो हो गया आपका मालानी, ठीक है। ये हो गया मालानी पर्वत और नाकोड़ा पर्वत। तो बूंदी में कौन सा है, आड़ा वाला पर्वत, कोटा में झालावाड़ और मुकुंदवाड़ा, कोटा झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा पहाड़ी, भीलवाड़ा के अंदर जो आपकी बिजासन पहाड़ी होगी, और बाड़मेर के अंदर जो है ये नाकोड़ा पर्वत और मालानी पर्वत, ठीक है। अब एक दो हो रहे हैं बस, पर्वत जो है हमने सारे समेट लिए जितने भी थे। एक पर्वत रहा देवगिरी और एक है नानी सिरडी, ठीक है। तो देवगिरी और नानी सिरडी पहाड़ी है जो, ये है आपकी दौसा के अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ आपकी, तोसा के अंदर है, देवगिरी और नानी सिरडी, ठीक है। तो पर्वत हो गए आपके यहीं पे खत्म। अब इसके कुछ और थोड़ी बहुत टर्म है वो हम देख लेते हैं, कि भाई पर्वतों के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो उनको हम थोड़ा और देख लेते हैं। बाकी पर्वत जो है आपने पूरे पढ़ लिए। अब कुछ है, जैसे कुछ पहाड़ियों के आकार होते हैं, जैसे कहीं 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 पे जो है गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब पूछ ले कि भी गोलाकार पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पाई जाती हैं, तो गोलाकार पहाड़ियाँ जो है आपकी वो पाई जाती हैं कहाँ पे, बाड़मेर में, ठीक है। एक पाई जाती हैं कि भी घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी जो है वो कहाँ पाई जाती हैं, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ। तो ये घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ जो है ये आपकी वो रामगढ़ है। ये रामगढ़ जो है ये 200वीं विश्व की क्रेटर झील भी है, रामगढ़ झील भी है वहाँ पे, ठीक है। तो इसको जो है क्रेटर झील का जो है वो दर्जा दिया गया है। तो घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ कहाँ होगी आपकी, रामगढ़ 12 के अंदर होगी। नंबर 3 अगर हम बात करें हम, तो तस्तरी नुमा या फिर गिरवा पहाड़ियाँ, गिरवा पहाड़ियाँ। तो तस्तरीनुमा और गिरवा पहाड़ियाँ तो आपको पता ही कि उदयपुर के अंदर है, क्योंकि उदयपुर शहर ही जो है ये गिरवा पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, ठीक है। तो ये चारों तरफ जो एक पहाड़ियों की जो श्रृंखला होती है ना, उसको बोलते हैं हम गिरवा पहाड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है।
तो ये तस्तरी नुमा और गिरुआ पहाड़ियाँ कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। अब नंबर चार है अर्ध चंद्राकार। तो अर्ध चंद्राकार जो पहाड़ियाँ हैं आपकी, अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों की बात अगर हम करें तो अर्ध चंद्राकार पहाड़ियाँ वो पाई जाती हैं आपकी बूंदी, कोटा और झालावाड़ में। ठीक है, तो अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां आपकी कहाँ पे होगी? बूंदी, कोटा और झालावाड़ के अंदर होगी। ठीक है, अब नंबर पांच पे एक आती है आपकी नाग या फिर सर्पिलाकार पहाड़ियां। ठीक है, नाग या सर्पिलाकार पहाड़ियां जो है ये आपकी कहाँ पे होगी? ये होगी आपकी अजमेर। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया होगा कि भी गोलाकार पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं। तो गोलाकार पहाड़ियां हैं वो आपकी बाड़मेर के अंदर हैं। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां जो है आपकी रामगढ़ बारा में, और रामगढ़ जो झील है वो विश्व की 200वीं क्रेटर झील है। फिर तस्त्रीनुमा या गिरुआ पहाड़ियों की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात करें तो ये आपकी है बूंदी, कोटा, झालावाड़। और नाग अथवा सर्पिलाकार की बात करें तो ये आपकी कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। ठीक है, अब एक दो चीजें और देख लेते हैं। बस ये अरावली हमारा खत्म ही होने वाला है। अब गिरुआ मैंने आपको बताया था, अभी गिरुआ हमने टर्म पढ़ा था। तो गिरुआ का मतलब क्या होता है? एक पर्वतों की मेखला होता है। पर्वतों की मेखला यानी एक श्रृंखला टाइप होती है, और आपका जो उदयपुर शहर है वो उसी के बीच में जो है बसा हुआ है, ऐसे पर्वतों की एक श्रृंखला। ठीक है, अब अरावली के कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु अगर हम बात करें, जैसे आरएस की दृष्टि से हम इम्पोर्टेंट बिंदु बोल सकते हैं, तो अरावली के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो अरावली के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो अरावली की जो भूआकृतिक संरचना है ना आपकी, अरावली की क्या भूआकृतिक संरचना का जो अध्ययन किया था ना, विस्तृत अध्ययन, भूआकृतिक संरचना का विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो वो किया था A.M. हेरोन ने। ठीक है, तो अरावली की भूआकृतिक संरचना का जो विस्तृत अध्ययन है वो A.M. हेरोन ने किया था। तो A.M. हेरोन ने क्या बोला कि जो अरावली जो है आपका वो क्या है, डेली महासमूह का, कि अरावली का जो निर्माण है ना, इसका निर्माण अरावली का, A.M. हेरोन के अनुसार अरावली का जो निर्माण है वो किससे हुआ? डेली महासमूह से हुआ। और इसी डेली महासमूह के कितने भाग हैं? तीन भाग है। ठीक है, तो A.M. हेरोन के अनुसार अरावली का निर्माण किससे हुआ? डेली महासमूह से हुआ। और ये डेली महासमूह की बात करें तो इसमें जो है तीन समूह शामिल हैं, जिसमें अलवर, अजबगढ़ समूह, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह और रायलो समूह। ठीक है, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह और रायलो समूह। ठीक है, तो ये है, मतलब आपको बस इसमें पूछ यही सकता है कि भाई अरावली की जो भूआकृतिक संरचना है उसका अध्ययन किसने किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि भाई A.M. हेरोन ने किया था। दूसरा ये कि इसका जो A.M. हेरोन के अनुसार जो अरावली का निर्माण है वो किस महासमूह से हुआ, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पूछने वाली चीजें इनसे ये हैं। अब एक छोटा सा काम हो रहा है, पीट मांड। ठीक है, क्या है? पीट मांड। तो पीट मांड किसको क्या होता है आपका? तो पीट मांड जो है, जो पर्वत होते हैं ना आपके, जैसे ये कोई पहाड़ है। ठीक है,
पर्वतपदीय क्षेत्र यानी पहाड़ों के जो ये यहाँ का क्षेत्र है, नीचे का पैरों का ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे जो अपरदित पहाड़ी होती है ना, कि ऊपर से पानी आता है और चीजें आती है, तो यहाँ से पहाड़ी क्या है, अपरदित हो जाती है। तो ये पहाड़ी जो अपरदित होती है ना धीरे धीरे, इसी को बोलते हैं पीडमांट, ठीक है। और ये अगर हम बात करें इस प्रकार, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो पीडमांट है ये राजसमंद में, ठीक है। तो पर्वतपदीय भागों में अपरदन से जो पहाड़ी है ना, अपरदित जो पहाड़ी है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीडमांट बोलते हैं पर्वतपदीय भागों में। या फिर ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई मान लो छोटी पहाड़ी होगी ये, तो वो धीरे धीरे क्या है, अपरदित होगी होगी, तो उसी को जो है पीडमांट बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये अरावली हो गया खत्म, और नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं दक्षिणी पूर्वी पठार हो गए और आपके मैदान हो गए, ठीक है। तो ये दो टॉपिक और बचे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, वो हम पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आप बताओ कि अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ भी चाहिए साथ में, क्योंकि नोट्स बना के मैं पढ़ाता हूँ, तो इसकी पीडीएफ भी जो है हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं नोट्स की, ठीक है।